जिले के कोरोना मरीजों की अब हाईटेक कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला मुख्यालय पर स्थित पुराने सेंटर को ही अपडेट करते हुए अब कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। सेंटर के लिए अब राज्य स्तर पर एक कॉमन नंबर 1075 होगा, जहां जिले के एसटीडी कोड 074-23 तथा नंबर 1075 डायल करने पर कॉल सीधे जिला स्तरीय कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर पर कनेक्ट होगी। कोरोना के इलाज की व्यवस्था के साथ ही निगरानी व प्रबंधन को केंद्रीकृत करने के लिए जिला स्तर पर एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। शहर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में बनाए गए पुराने कोरोना कंट्रोल रूम को ही हाईटेक करते हुए उसका नाम कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर कर दिया गया है। CMHO महेश मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से कोविड कमांड सेंटर पर जिले के एसटीडी कोड के साथ 1075 लगाने पर कोविड-19 की सारी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। कोविड कमांड सेंटर 24 घंटे संचालित होगा। यहां 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध रहेगी और इसके माध्यम से जिले में निर्धारित कोविड संस्थाओं में रिक्त बेड की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम अपना एसटीडी जिले का एसटीडी नंबर और हमारे कंट्रोल रूम का नंबर हम लगाते हैं, तो हमको कमांड सेंटर से हमको सारी जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो सकती है कि किस संस्था में कितने बेड्स हमारे खाली हैं, करंट हमारे आइसोलेशन वार्ड में कितने खाली हैं, हमारे ICU वार्ड में कितने खाली हैं, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तथा हमें होम आइसोलेशन में जो हमने पेशेंट भर्ती किए हैं, रखे हैं जिनको होम आइसोलेशन में, उसकी भी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी कि कौन कौन होम आइसोलेशन है, तथा वहाँ से मॉनिटरिंग का काम भी पूरा करेंगे। पेशेंट जो घर पे है उनका मॉनिटरिंग का काम भी वीडियो कॉल करके उनसे जानकारी सुबह शाम जानकारी लेंगे और उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो सर, वो सेंटर में कितने कर्मचारी हैं सर, डॉक्टर वगैरह के? हमारे यहाँ सेंटर के अंदर राउंड द क्लॉक हमारा एक टेलीमेडिसिन के लिए एक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके साथ चार कॉल करने वाले हमारे लोग रहेंगे और एक हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा जो उसकी एंट्री वगैरह जो भी है वो सब पूरी करेगा। मैं डॉक्टर महेश मालवी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नीमच।